हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांश। आज की वीडियो है साइड बेंड के ऊपर कि हमारे ऑब्लिक्स, इंटरनल ऑब्लिक्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स एंड क्वाड्रेटस लंबोरम की एक्सरसाइज, जो है स्पाइन लेटरल फ्लेक्शन। तो आज हम देखेंगे कि इसके लेकर क्या क्या मिथ्स है फिटनेस इंडस्ट्री में। तो बोला जाता है कि जब लेटरल फ्लेक्शन करते या फिर साइड बेंड करते रेजिस्टेंस के साथ, तो हमारा बोला जाता है कि मसल किस टाइम पे इन्वॉल्व होता है, किस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि जब हम बेंड करते हैं रेजिस्टेंस के साथ। बट हमने एक चीज देखी है कि सीखी है, जो साइंस बोलती है कि जब हम अपने मसल को अगेंस्ट द ग्रेविटी लिफ्ट करते हैं, उस टाइम पे हमारा मसल वर्क करता है। बट इस टाइम पे हमारा मसल अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी रेजिस्टेंस को नीचे की तरफ खींच रही है। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है हमारा मसल? जब उसको रेजिस्टेंस को लाइन ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट खींचती है। तो हमारा मसल कब कॉन्ट्रैक्ट होता है? जब हम इस रेजिस्टेंस को खींचते हैं, इस टाइम पे हमारा मसल वर्क करता है, ना कि इस टाइम पे। सेकंड मिथ क्या हो गया कि दोनों हाथों में रेजिस्टेंस लेके देन साइड बेंड करें। बट क्या इससे कोई बेनिफिट होगा? देखो कि अगर यहाँ हमने टुवर्ड्स द ग्रेविटी हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कि मसल में कोई भी माइक्रोट्रॉमा नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई एफर्ट नहीं आया, जो भी काम किया ग्रेविटी ने किया, और इसके अगेंस्ट हम करते हैं इस साइड, यहाँ पे भी सेम ग्रेविटी खींच रही है रेजिस्टेंस को। तो इससे बेटर है आप सिंगल हैंड में रेजिस्टेंस लेके देन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएं। नेक्स्ट क्या है कि हमें बहुत ज्यादा बेंड होना चाहिए, जितना हो सके उतना ज्यादा बेंड हो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कराएं। बट जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, जितना आपकी स्पाइन अलाउ करती है, उतना ही लेटरल फ्लेक्शन करें बस, उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट। ज्यादा नीचे जाने से हमारे ये जो इस साइड के मसल्स है, जो हमारे ऑब्लिक्स है, क्वाड्रेटस लंबोरम है, ये स्ट्रेच होते हैं। बट हमें मसल को स्ट्रेच नहीं करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है। अगर हम 100% उसको स्ट्रेच कर देंगे तो 100% कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। तो इतना ही करना है जितना अलाउ करे आपकी स्पाइन लेटरल फ्लेक्शन को लेकर। और लास्ट में जो सबसे बड़ा मिथ है साइड बेंड को लेकर, वो क्या है कि इससे आपकी साइड वैली, जो लव हैंडल्स है, वो कम होंगे। बट जो भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, जो भी हम ट्रेनिंग करते हैं, वो हमारे मसल्स के लिए करते हैं, ना कि उससे हम फैट को रिड्यूस कर रहे हैं। फैट रिड्यूस हमारा न्यूट्रिशन से होता है, ना कि वर्कआउट से। वर्कआउट से तो हम बस स्टिमुलेशन दे रहे हैं हमारी बॉडी को कि वहाँ पे बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ाए, मसल मास बढ़ाए, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो। बट जो आपका फैट लॉस होता है, वो आपके न्यूट्रिशन से होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, आपकी बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है, ना कि फैट लॉस होता है। तो ये कुछ मिथ्स थे जो हमने वीडियो में कवर किए हैं। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।